नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया। दवाओं का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें दवा लेने की सलाह देते हैं जिनसे हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन यही दवा कभी कभी साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये साइड इफेक्ट से होने वाले नुकसान के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। जहां एक तरफ दवाइयां रोगों का उपचार करती हैं, तो वहीं ये सेहत को नुकसान भी पहुंचाती हैं। हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों पर इसका असर कम होता है जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता है, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण कुछ लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ता है व दवाई लेने के बाद किसी दूसरे समस्या का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मुंह के छाले, कई लोगों को दवाई लेने के बाद मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको खाने में विटामिन सी की मात्रा कुछ दिनों तक कम करनी होती है। इसके बाद इसके अलावा जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक ज्यादा नमक और मिर्च मसाले ना खाएं। तो वही पेट की समस्या, दवाइयाँ गर्म होती हैं जिसकी वजह से कई लोगों को पेट की समस्या होने लगती है। अगर आप पेन किलर लेते हैं तो आपको कब्ज हो सकता है। इसके लिए आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको दस्त लग जाए तो दवा लेने के समय तक हल्का खाना खाएं और बाहर का खाना खाने से बचें। साथ ही पानी में नमक मिलाकर पिए। नींद आना, अक्सर दवा लेने के बाद नींद आने लगती है, इससे बचने के लिए सुबह उठने के बाद चाय पिए, एक्सरसाइज करें और समय समय पर चेहरा धोते रहें। ऐसे में आप ड्राइविंग करने से भी बचें। तो वही मुंह का सूखना, दवा लेने से बार बार मुंह सूखने लगता है, जिसके लिए आप च्युइंगम चबा सकते हैं और खूब पानी पिए। साथ ही रसीली चीजों का सेवन करें। वैसे तो दवा लेने के कई सारे नुकसान है, जिसका सिर दर्द और चक्कर आना भी एक कारण है। कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर ऐसी दवा दे देते हैं जो बहुत तेज होती है, इससे उन्हें झेलना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सिर दर्द चक्कर आने लगता है। अगर दवाई लेने पर आपको ये समस्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसे कम पावर की दवा देने के लिए सलाह लें, ताकि डॉक्टर आपको ऐसी दवा देने से भी बचे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही इस तरह की जो समस्या है इससे निजात पाने के लिए आप घरेलू नुस्खों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी पिए, च्युइंग गम चबाएं, समय समय पर एक्सरसाइज करें। अगर सिर दर्द हो रहा है तो चाय पिए, इससे भी आपके शरीर में होने वाले सभी तरह के नुकसान से आप बच सकते हैं और दवाओं के साइड इफेक्ट्स आपके शरीर पर कम करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।